हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मेरठ के विकासखंड सरूरपुर के गांव में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। विकासखंड सरूरपुर के गांव डाहर में भ्रष्टाचार परत दर परत खुलता ही जा रहा है। करीब एक सप्ताह पूर्व जब डीपीआरओ ने डाहर गांव में पहुंचकर जांच किया तो पाया कि जिन दो सड़कों का निर्माण कार्य पूरा होने का दावा कर पैसा निकाला गया, वो निर्माण कार्य सिर्फ कागजों में पूरे किए गए हैं। जमीनी स्तर पर किसी सड़क का निर्माण हुआ ही नहीं है। वहीं एक और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं में शामिल सामुदायिक शौचालय का। लिंटर डालते समय ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था और लिंटर डालते वक्त ही भरभरा कर गिर गया था। एक के बाद एक भ्रष्टाचार के कई ऐसे मामले हैं। आपको बता दें कि अब ग्रामीणों ने मनरेगा में धांधली और भ्रष्टाचार की शिकायत की है। ग्रामीणों ने मेरठ मंडल की मनरेगा लोकपाल अंशु त्यागी से लिखित में शिकायत की है, जिसके बाद लोकपाल अंशु त्यागी बीडीओ सरूरपुर अमित कुमार व पंचायत सेक्रेटरी को साथ लेकर जांच करने गांव में पहुंची तो शिकायतकर्ता बादल ने साक्षियों के साथ ऐसे कार्यस्थलों का जायजा कराया जहां कई सालों से कोई काम तो नहीं हुआ है, लेकिन वहां मनरेगा के तहत कार्य दिखाकर लाखों रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। सब जांच का विषय है, अभी हम वीडियोग्राफी करवा रहे हैं, इसकी सारी ये जो है इसकी हम स्टडी करेंगे, देखेंगे, इनके पेपर्स भी हम मंगाएंगे। गवर्नमेंट ऑफिशियल जितने भी हैं, प्रधान है, सेक्रेटरी है, वीडियो है, ये लोग सब अपने गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। इससे रिलेटेड काम जितने भी हम देख रहे हैं उससे रिलेटेड कंप्लेंट जो हमारे पास आई हुई है, और उसके बाद फिर हम निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना है। जांच करने पहुंची लोकपाल अंशु त्यागी ने ग्राम प्रधान पर जांच में सहयोग न करने का आरोप लगाया। लोकपाल से ग्रामीणों ने कई खुलासे किए। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि ग्राम प्रधान का भाई पंकज भी मनरेगा में मजदूर बनकर कई वर्षों से मजदूरी हड़प रहा है। साथ ही ये बताया कि जिन लोगों के जॉब कार्ड बनाए गए हैं उनको कभी जॉब कार्ड दिए ही नहीं गए। ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान के छोटे भाई इलाहाबाद बैंक के CSP हैं, जिसके माध्यम से मनरेगा मजदूरी के नाम पर मंगाया गया पैसा निकाला जाता है और जॉब कार्ड धारक को कानो कान भी खबर नहीं लगती। ग्रामीणों द्वारा मनरेगा में भ्रष्टाचार की शिकायत पर जांच करने पहुंची लोकपाल ने जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट तैयार कर DM और शासन को भेजने और आरोप साबित होने पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। देखते हैं कि लोकपाल से शिकायत के बाद कोरोना संकट काल में मजदूरों के साथ हो रहे अत्याचार और भ्रष्टाचार खत्म होता है या मजबूर मजदूर यूं ही भ्रष्टाचार और अत्याचार का शिकार होते रहेंगे। पार्लियामेंट्री बिजनेस के लिए मेरठ से मानवर चौहान की रिपोर्ट।